सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि एग्जाम अब आ चुके हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको क्यू बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर अगर कुछ नहीं समझता तो क्यू बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, और खासतौर पे सेवेंथ एट नाइन्थ इस तरह के क्लासेस में आपको क्यू बेसिक पढ़ाई जाती है, जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप उसे किताबों तक सीमित मत रखिए, इसको आगे बढ़ाइए, प्रैक्टिकल भी आइए। तो यहाँ पर QB6 नाम का एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो 32 बिट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिएगा, 64 बिट का है 64 बिट के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें कुछ कमांड्स मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं और कुछ कमांड्स आज सिखाऊंगा, आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर चलाऊंगा CLS कमांड, क्योंकि स्क्रीन को क्लियर करना है इसीलिए CLS कमांड चलाऊंगा। ठीक है, नीचे ओके लिखा हुआ आ गया है, देख सकते हैं। अब यहां पर एक कमांड चलाऊंगा, स्क्रीन कमांड, स्क्रीन। ठीक है, तो ये स्क्रीन कमांड चलाऊंगा और यहां पर लिखूंगा 12। क्या लिखूंगा? 12। ठीक है, अब यहां पर लिख दिया 12। इसके अंदर सर्कल बनाएंगे हम, सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल लिखा हमने और यहां पर 300। ये क्यू बेसिक जो थी ना, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1985 में डेवलप की गई थी। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 250 दे दिया हमने। यहाँ पर देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही कॉमा देंगे तो यहाँ पे दे देंगे 300। तो ये इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, अब ये सर्कल बनेगा किस कलर का बनेगा वो अभी आपको नजर आएगा। अब इसमें भी हम एक और सर्कल बनाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सर्कल, वापिस से ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर यहाँ लिखूंगा 300, 250। ठीक है, ये लिख दिया, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहां देंगे 150। ठीक है, और इसको अब एंड करना है, लास्ट में जाकर के आपको एंड भी करना होता है, तो यहां पे एंड कर दूंगा इसको। और कीबोर्ड से सिर्फ आपको F5 फंक्शन की प्रेस करनी है इसको रन कराने के लिए। ठीक है ना, तो इसको F5 प्रेस कर दिया हमने और ये थोड़ी देर में एक फाइल जो है हमें दिखेगी, आउटपुट हमें दिखेगा किस तरीके का आउटपुट के आ रहा है। यहां पर देख सकते हैं ये आउटपुट आपके सामने है, ये इस तरह का एक सर्कल बनाएगा। ठीक है ना, तो ये तो था सर्कल कमांड, सर्कल बनाने के लिए यूज होता है। अब ये सर्कल छोटा बड़ा भी हो सकता है, यहां से जाकर के आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 30 कर दिया, 30 ने बल्कि यहाँ पे कर देते हैं 100। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं 50। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे जब 100 और 50 हम रेशियो देंगे इसमें तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पहले चेंज कर लेता हूँ, यहां से चल के हम इसको चेंज करेंगे। तो ये कर दिया हमने 100 और यहां पे कर दिया 50। F5 प्रेस किया, एंटर किया, यहां पर देखेंगे तो सर्कल आधा आधा सा जनरेट हुआ है, देख सकते हैं ना। यहां पर अगर आप चेंज करेंगे, अब देखिए यहां पर चेंजिंग करने से क्या फायदा, यहां पर चेंजिंग कर दिया जाए। ठीक है, तो 300 जो दिया गया है यहां पर इसको कर देता हूं 100। ठीक है, और यहां पे जो 150 दिया गया है इसको कर देता हूं सिर्फ 50। कितना रखेंगे? सिर्फ 50 रखेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ 50 कर दिया, एंटर किया इस तरीके से। तो आप देखेंगे आउटपुट कैसा इसका आएगा, तो ये देख सकते हैं ये एक बहुत छोटा सा सर्कल बना हुआ सा आपको नजर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सर्कल कमांड आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके पहले मैं एडिशन वगैरह बता चुका हूँ, एडिशन बहुत आसान है। ठीक है,